कांग्रेस पार्टी में मचता बवाल, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और उनके एक नेता का बयान, इस वक्त उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में हलचल मचाई हुई है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ मृत्युंजय चौहान और आप हमारे साथ देख रहे हैं इस वक्त SPN9 न्यूज। प्रताप सिंह खाचरियावास जो गहलोत सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। हमें जब जानते हैं कि इस वक्त कुछ वक्त पहले कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर चल रहा था, जहां पर यह देखा जा रहा था कि हार की समीक्षा की जा रही थी और जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में जो हालात बने हुए हैं उस पर बात की जा रही थी। कई दल ऐसा देखा जा रहा था कि गहलोत सरकार में ही सचिन पायलट का एक अलग गुट बना हुआ है, सचिन और गहलोत का अलग गुट बना हुआ है और इसी को चलते वहां पर इस तरह का चिंतन शिविर रखा जा रहा था क्योंकि आने वाले वक्त में वहां भी चुनाव है। चिंतन शिविर से निकल करके बड़ी बातें सामने आई। ऐसा देखा जा रहा है कि चिंतन शिविर में प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि जिसमें ताकत होती है, जिसमें दम होता है, वो धरती फाड़ के भी बाहर आ सकता है। उम्र कोई भी पैमाना तय नहीं कर सकती, उम्र कोई पैमाना नहीं है, राजनीति ही ऐसी चीज है। इसके बाद उन्होंने ये बात भी कही है कि जिस तरह से युवाओं को लगता है कि उन्हें मौके नहीं दिए जा रहे, युवाओं को मौके दिए जा रहे हैं और एक्सपीरियंस अनुभव भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा, देखा जा रहा है कि जिस तरह से सचिन पायलट अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर के और अशोक गहलोत को के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला, तो साफ तौर पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने अशोक गहलोत का समर्थन किया है, अशोक गहलोत के बचाव में खड़े हो गए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर सचिन पायलट को संदेश देने की कोशिश की है कि चाहे वो युवा होने के नाते कितनी भी अपनी दावेदारी पेश कर लें, लेकिन तजुर्बा होने की वजह से, एक्सपीरियंस होने की वजह से ज्यादा महत्व अशोक गहलोत को ही दिया जाएगा। उनके मंत्री उन्हें गहलोत को ज्यादा तवज्जो देंगे, कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत को ज्यादा महत्व देगी और इसी वजह से सचिन पायलट की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आने वाले वक्त में सचिन पायलट क्या कुछ करते नजर आएंगे तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए SPN9 न्यूज। नमस्कार।